हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में नेक्स्ट थ्योरम थ्योरम 2.6 प्रूफ कराऊंगी। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, लेट वी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर स्पेसेस ओवर एफ। दो वेक्टर स्पेसेस आपको दिए हुए और एक वेक्टर स्पेस का आपको बेसिस मालूम है, वी वन वी टू वी एन। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वी वन वी टू वी एन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एलिमेंट्स होंगे डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू एन इन द अनदर वेक्टर स्पेस। अगर ये है मेरे पास तो सिर्फ एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट भी ज़रूर करेगी और एग्जैक्टली वन ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, सच दैट टी ऑफ वी आई इज इक्वल टू डब्ल्यू आई फॉर ऑल आई वेरिंग फ्रॉम वन टू एन। मतलब वी के एलिमेंट्स जो हैं, वी के जो बेसिस एलिमेंट्स हैं, वो डब्ल्यू के एलिमेंट्स के ऊपर मैप हो जाएंगे और ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक ही होगी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हमने कैसे प्रूफ किया इसको, थोड़ा सा बड़ा प्रूफ है बच्चों, कि हमारे को एक बेसिस दिया हुआ है वी का। अगर बेसिस है ये वी का, तो हर एलिमेंट जो होगा वी का दैट कैन बी यूनिकली रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट, क्योंकि बेसिस की डेफिनेशन ही यही कहती है कि वी इक्वल टू स्पैन ऑफ द बेसिस एलिमेंट। स्पैन मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आप वी का अंदर कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो इन सभी एलिमेंट से, बेसिस के एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा। तो हमने कहा कि लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस वेक्टर स्पेस वी, और वी क्या है, स्पैन ऑफ, मैं लिख के दिखा देती हूँ। देखो, x belongs to the vector space v, और v क्या है, span of v1 v2 vn। क्यों है span of v1 v2 vn, क्योंकि v1 v2 vn जो है इसका बेसिस है, बेसिस है तो बेसिस की सेकेंड कंडीशन होती है कि वो उसका स्पैन है। इसका मतलब x इज इक्वल टू स्पैन, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस आ गया, और ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है। तो x इज द लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो x क्या आ जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू, मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और ये सारे स्केलर्स मेरे यूनिक हो गए। ठीक है, तो मुझे x की डेफिनेशन मिल गई कि v के किस तरीके के एलिमेंट हैं। तो मैंने अब एक मैपिंग डिफाइन करी है, ये अभी लीनियर नहीं है, मैं इसको कह रही हूँ कि मैं एक मैपिंग डिफाइन कर रही हूँ, ये लीनियर होगी, ये मैं प्रूफ करूंगी। तो टी ऑफ v, v का कोई भी एलिमेंट x है, ठीक है, वो x किस फॉर्म का है, ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए एन वी एन, तो मैंने लिख दिया कि वो इस फॉर्म का है। इसको मैंने डिफाइन किया कि जब वो w के पास जाएगा तो उसकी इमेज बन जाएगी ए वन डब्ल्यू वन प्लस ए टू डब्ल्यू टू प्लस डैश डैश टिल ए एन डब्ल्यू वन। ठीक है, मैं शो करती हूँ कि ये लीनियर है, लीनियर तक का काम तो बच्चों हो जाना चाहिए आराम से। देखो, लीनियर के लिए आपको कंडीशन याद होनी चाहिए कि मैंने कोई भी दो एलिमेंट डोमेन के लिए उन दोनों को ऐड किया, तो मैं दिखाऊंगी कि कॉरेस्पॉन्डिंगली उनकी इमेजेस भी ऐड हो जाती है। तो मैंने x ले लिया ए वन वी वन से लेके ए एन वी एन, और y मैंने ले लिया बी वन वी वन टू बी टू वी टू प्लस वी एन वी एन ले लिया। अब इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये वी वन के कोफिशेंट इकट्ठे कर लो, वी टू के कर लो, वी एन के कर लो, उसके ऊपर t को ऑपरेट किया। अब t की डेफिनेशन जो हमने बनाई है वो क्या बनाई है, कि ये जब ऑपरेट होते हैं तो वी वन डब्ल्यू वन में कन्वर्ट हो जाता है, वी टू डब्ल्यू टू में, इनकी इमेजेस आ गई। तो मेरी ये डेफिनेशन ऑफ टी से आ गई, विच इज टेकन बाय अस, हमने खुद ली है ये वाली डेफिनेशन जो ऊपर हमने डिफाइन किया है। ठीक है, अब इसको क्या करो, खोल लो, ठीक है, ये ब्रैकेट्स को खोल लिया, ए आईज वाली टर्म्स एक साइड इकट्ठी कर ली, बी आईज वाली दूसरी तरफ इकट्ठी कर ली। अब ये ए वन डब्ल्यू वन ए टू डब्ल्यू टू, ये क्या होगा, टी ऑफ ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू, जो हमने टी की डेफिनेशन डिफाइन करी है, ऐसे बी वन डब्ल्यू वन बी टू डब्ल्यू टू क्या हो जाएगा, टी ऑफ बी वन वी वन प्लस बी टू वी टू। ठीक है, अब ये क्या था, x था, ये y था, तो टी एक्स प्लस टी वाई आ गया। तो मेरा t ऑफ x प्लस वाई टी एक्स प्लस टी वाई आ गया। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज बीइंग सेटिस्फाइड हियर। अब मैं शो करूंगी t ऑफ सी एक्स, ठीक है, मतलब अल्फा x या सी एक्स, जो भी मर्जी आप स्केलर ले सकते हैं। तो मैंने t ऑफ सी एक्स ले लिया, तो c ये रहा, x की डेफिनेशन मेरी यही थी। ठीक है, तो ये अब जो मैंने डेफिनेशन बनाई थी उससे देखो, पहले मैं थोड़ा ठीक कर लूँ, सी ऑफ ए वन वी वन क्या हो जाएगा, सी ए वन इंटू वी वन, क्योंकि ये सारे एलिमेंट वेक्टर स्पेस के हैं और वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है दैट अल्फा इंटू बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा बीटा डॉट वी। तो हमने अल्फा बीटा एक तरीके से इकट्ठे कर लिए, ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। अब बाय डेफिनेशन ऑफ टी जो हमने खुद डिफाइन किया वो क्या कहता है कि वी जो होता है डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सी ए वन वी वन था तो सी ए वन डब्ल्यू वन बन जाएगा, सी ए टू वी टू था तो ये सी ए टू डब्ल्यू टू बन जाएगा। यहाँ तक आ गया। अब इसमें से C कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब अंदर वाली जो ब्रैकेट आई है C के साथ जो लिखी है, ये क्या है, ये डेफिनेशन ऑफ T जो हमने खुद दी थी उससे क्या है, ये T ऑफ A1 V1 प्लस A2 V2 है।
ठीक है, तो सी ऑफ टी एक्स आ गया, तो मेरी सेकेंड कंडीशन भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सेटिस्फाई हो गई। इससे मुझे पता चला कि मेरा टी जो है लीनियर है, और साथ में मुझे ये भी पता चल गया कि टी ऑफ बी आई डब्ल्यू आई होगा, क्योंकि मैंने जो डिफाइन किया था, मैंने तो ये डिफाइन किया है ना, टी ऑफ ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए आई वी आई भी होगा बीच में कोई, और ए एन वी एन जो है ये किसके बराबर है, ए वन डब्ल्यू वन ए टू डब्ल्यू टू डैश डैश ए एन डब्ल्यू एन। इसमें ना हमें आई पे शो करना है ना, तो ए आई को तो वन ले लो और बाकी के सारे ए वन ए टू ए थ्री ये जितने भी है ना इन सबको जीरो ले लो। तो ये क्या बन जाएगा, टी ऑफ जीरो प्लस जीरो प्लस ये ए वन की जगह ए आई की जगह ये आ जाएगा वन प्लस डैश डैश टिल जीरो इज इक्वल टू ए वन डब्ल्यू वन प्लस ए टू डब्ल्यू टू। अब ये ए आई डब्ल्यू आई जो होगा ये वन बन जाएगा और ये जीरो आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, टी ऑफ वी आई इज इक्वल टू डब्ल्यू आई। ठीक है, तो मेरा इतना काम तो प्रूफ हो गया जो मुझे शो करना था कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी सच दैट टी ऑफ वी आई इक्वल टू डब्ल्यू आई। तो थ्योरम का आधा काम तो हो चुका, द ओनली थिंग इज आई हैव टू शो दैट दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज यूनिक, ऐसी एक ही होगी क्योंकि दो वर्ड इज एग्जैक्टली इन द थ्योरम। ठीक है, तो एग्जैक्टली वर्ड को प्रूफ करना रह गया, तो मैं अब यूनिकनेस करूंगी। तो यूनिकनेस के लिए मैंने कहा, सपोज कर लीजिए एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू एग्जिस्ट करती है बी से डब्ल्यू पर सच दैट यू ऑफ बी आई भी डब्ल्यू आई है। ठीक है, मैं शो कर दूंगी कि यू इज इक्वल टू टू टी है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मैंने कोई भी एक्स का एलिमेंट लिया, सॉरी यू का एलिमेंट लिया एक्स। ठीक है, अब इसका बेसिस क्या है, क्योंकि ये भी वेक्टर स्पेस वी पे ही था, तो वी वन वी टू वी एन इसका बेसिस है, बेसिस है तो फिर से स्पैन कर रहा होगा। अगर स्पैन कर रहा होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए वन वी है, सॉरी ठीक है, ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए एन वी एन आ जाएगा। अब मैंने इस वाले एक्स के ऊपर यू जो मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करी है उसको ऑपरेट किया, तो यू ऑफ एक्स इज यू ऑफ ए वन वी वन ये आ जाएगा। अब इसको ऊपर भी यू की, क्योंकि यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अब मैं यूज कर रही हूँ प्रॉपर्टी की यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपको पता है कि हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में क्या होता है, यू ऑफ एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज एल्फा ऑफ यू एक्स प्लस बीटा ऑफ यू वाई, ये होता है हमारा डेफिनेशन। ठीक है, तो इसी वाली डेफिनेशन का इस्तेमाल किया तो मेरे पास ये आ गया। अब u of v i क्या था, w i, तो u of v 1 क्या हो गया, w 1, u of v 2 हो गया w 2, u of v n हो गया w n। ठीक है, और ये किसके बराबर है, a 1 w 1 plus a 2 w 2, ये हमने डिफाइन किया था t of a 1 v 1 plus a 2 v 2। ठीक है, तो मैंने शुरू किया u of a 1 v 1 plus a 2 v 2 डैश डैश, मैंने शो कर दिया दिस इज इक्वल टू टी ऑफ ए वन वी वन ए टू वी टू। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, टी एक्स के बराबर आ गया, तो यू एक्स इज इक्वल टू टी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी आ गया, तो मेरे पास यू इक्वल टू टी आ गया, हेंस टी इज यूनिक। ठीक है, इसकी करोलरी बहुत ऑब्वियस सी है बेटा, वो यही कह रही है कि v और w अगर दो वेक्टर स्पेसेस हैं, v का कोई भी एक बेसिस मिल गया फाइनाइट v1 v2 vn, तो u और t मान लो दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं सच दैट कि u vi इक्वल टू t vi, तो आपका u भी t के बराबर होगा, जो आपने अभी ऊपर प्रूव किया है, बिल्कुल सिमिलर ही थिंग है ये, तो करोलरी इज क्वाइट ऑब्वियस हेयर। इसका जो फिजिकल मीनिंग है, इसको कैसे हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं, कि अगर हमारे को कोई दो फाइनाइट डोमेन कोई वेक्टर स्पेसेस दे रखे हैं और उनका बेसिस हमें डोमेन का बेस मालूम है, डोमेन का बेसिस हमें मालूम है, तो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक तो एग्जिस्ट भी ज़रूर करेगी, और दूसरा अगर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्री कर जाती हैं बेसिस एलिमेंट के ऊपर, मतलब एक का बेसिस एलिमेंट दूसरे के बेसिस एलिमेंट से मैच हो रहा है, तो अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस एलिमेंट सेम पे मैप हो रहे हैं, तो वो दोनों की दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम होंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है कि दिस करोलरी मीन्स दैट इफ यू एंड टी आर लीनियर एंड एग्री ऑन द बेसिस एलिमेंट ऑफ द डोमेन देन यू इज इक्वल टू टी। ठीक है बच्चों, तो ये था थ्योरम 2.6, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।